आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और मनोज गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप भी Realme का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं और आपको अगर Android 10 देखने को मिल गया है या फिर आपके पास Android 9 ही है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे जो ड्रेन प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉयड 10 के बाद काफी यहाँ पे ड्रेनिंग प्रॉब्लम हमको अपने बैटरी में देखने को मिल रही है, और साथ में जिनको जिनके पास यहाँ पे एंड्रॉयड 9 भी है उनको भी अगर ड्रेनिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वो भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ट्रिक डेफिनेटली वर्क करेगी। और जिन डिवाइसों में एंड्रॉयड 10 आ गया है, एंड्रॉयड 10 के बाद उनको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इस ट्रिक को वो भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रियलमी कम्युनिटी से भी इसके लिए बात की तो उन्होंने भी कुछ ओपिनियन जो है अपना शेयर किया, और फ्रेंड्स उसके साथ मैं अपनी कुछ ओपिनियन मैं भी पर्सनली शेयर करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप यहां पे ज्यादा तो नहीं बट यहां पे आप जो है 60-70% जो है बैटरी को बचा सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी हम अच्छे अच्छे पिक्स जो है पोस्ट करते रहते हैं। साथ में हमने इंस्टाग्राम का जो है लिंक है उस पर भी आप जो हमको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि हमको एंड्रॉयड 10 देखने को मिला है कई डिवाइस में, और यहाँ पे जो जो डिवाइस में हमको एंड्रॉयड 10 देखने को मिला है उसमें हमको ड्रेनिंग प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ पहले मैं टिप्स बताने वाला हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा जरूर। और यहाँ पे रियलमी कम्युनिटी ने भी क्या कहा है इसके लिए, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट तक। और आप चाहे कलर वाइज 6 यूज कर रहे हो, चाहे यहाँ पे एंड्रॉयड 10 यूज कर रहे हो, दोनों के लिए वर्क करेगी, आप डिवाइस कोई भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग बार ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगी, आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है, और यहां से आपको मिलेगा डेवलपर का एक ऑप्शन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप बैटरी यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर कोई गेम यूज कर रहे हैं या फिर यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं इस एप्लीकेशन को जो मिनिमाइज करके रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे और भी आप ऐसी 15-20 एप्लीकेशन ऐसी खोल देते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में रन करती रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे एप्लीकेशन हटा नहीं पाते तो वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करती है। तो यहाँ से एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसमें आप जो है यहाँ पे कम से कम एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या होगा। फ्रेंड्स जब इसको आप यूज करेंगे इस ट्रिक को तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे एक एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इस डेवलपर ऑप्शन में जो है वो वाला ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ, और इस ऑप्शन को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक मिलता है आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, इसको सिंपली आपको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एट मोस्ट 4 प्रोसेस पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पे 5-6-7 एप्लीकेशन एक साथ यहाँ पे कोई भी चीज चलाते हैं उसके बाद अपने हम फोन जो है मिनिमाइज करके रख देते हैं, तो यहाँ पे आपका इस जो यहाँ पे मिनिमाइजेशन का जो ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको 4 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इनेबल नहीं रहेगी। अगर आप 5वीं इनेबल करते हैं तो जो पहले वाली एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली जो है डिसेबल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इससे आपका एक फायदा यह है कि जो बैकग्राउंड में जो रन कर रहा है उसमें जो बैटरी है उसका यहाँ पे जो कंज्यूम हो रहा है वो बैटरी आपकी बचेगी, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम है आपका यहाँ से दूर हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड लिमिट में करते हैं तो आप जितने भी एप्लीकेशन खोलेंगे उतना उतना बैटरी आपकी जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास रियलमी UI आ गया है, और पहले मैं आपको रियलमी UI का बता देता हूँ, इसी का प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं कलर OS 6 में भी, और साथ में मैं आपको कलर OS 6 में भी वो ऑप्शन दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये देख सकते हैं मेरे पास जो है एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप बैटरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 65% का ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेव पावर लिखा हुआ है 1 इशू फाउंड, तो आपको सिंपली पहले तो इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, यहाँ से लाइफ टाइम को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको पावर सेविंग को जो है ऑन कर लेना है, और पावर सेविंग को ऑन करते ही आप यहाँ पे खोल पाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो ये जो लाइट है मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, बट अगर आप फिर भी यहाँ पे लाइट को तेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिड्यूस का ऑप्शन मिलता है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे से आपको टर्न ऑन स्पेसिफिक लेवल पे क्लिक कर देना है, जैसे ही आपकी बैटरी जो है 20% से नीचे आएगी तो वो ऑटोमेटिक स्पेसिफिक लेवल पे जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको अलर्ट कर देगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसको जब आप ऑन कर लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छे का ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कस्टम पावर सेविंग का ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा,
और साथ में आप नीचे की साइड में और आएंगे तो आपको मिल जाएगा पावर यूजेज का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा सिस्टम जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। अब मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा सिस्टम मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब मेरे इस एंड्रॉयड 10 की जो मैं यहाँ पे बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा मेरा कंज्यूम जो है ये हमारा सिस्टम ले रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, नीचे की साइड में आना है, आपको पावर सेवर ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इसको खोलना है और यहाँ से आपको जो है इसको जो है इनेबल कर देना है सिंपली स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन को। देखिए क्या होगा, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे जब आप स्टैंडर्ड को इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे अपने फ़ोन को रात में यूज़ करके रख देंगे तो उसके बाद जो आपके जितनी भी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएंगी। मतलब कि जैसे आप समझ लीजिए आप फ़ोन रखते हैं उसके बाद आपकी जितने एप्लीकेशन स्लिप होने के बाद जो है यहाँ पे जो आपकी बैटरी का जो पावर कंज्यूमेशन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पहले के कंपेरिजन में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पावर सेविंग को भी जो है कर सकते हैं और इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं स्मार्ट पावर सेवर का ऑप्शन मिलता है आपको। इस स्मार्ट पावर सेविंग के ऑप्शन को जो है आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से ये स्मार्ट पावर सेविंग भी जो है ऑन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप यहां पे आके जो है इसको भी टर्न ऑन कर सकते हैं, मतलब कि आप दोनों को एक साथ टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे नीचे की साइड में आएंगे आप परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ऑलवेज आपको जो है स्मार्ट परफॉर्मेंस पे जो है यहां पे टिक करे रहना है, ठीक है, जिससे आपकी बैटरी को जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और सिंपली बैक चले आना और यहां पे स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको बैलेंस मोड में रखना है। तो इतनी सेटिंग आपको बैटरी में जरूर से जरूर करना है जिससे कि जो आपका यहाँ पे ड्रेनिंग इशू है वो काफी हद तक जो है चेंज देखने को मिलेगा। और मे भी मैंने इस चीज को ट्राई किया है, मुझे ठीक लगा है इस चीज को करने के बाद। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पावर सेविंग ऑन किया तो मेरे यहाँ से जो ब्लूटूथ वगैरह है, जो पावर ड्रेनिंग एप्स है, जो मतलब मेरे एप्स जो ज्यादा ड्रेन हो रहे थे, मतलब ज्यादा यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे खा रहे थे, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया पूरी तरीके से, टर्न ऑफ जीपीएस हो गया, डिसेबल ऑटो लॉन्च ऑफ पावर ड्रेनिंग एप्स देख सकते हैं, और यहाँ पे डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग, मतलब जो हमारे बैकग्राउंड में भी जितनी एप्लीकेशन रन कर रही थी वो भी ऑटोमेटिकली जो है डिसेबल हो गई है। तो आप मे भी समझ सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इतना आप ऑप्शन जो है यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से जो है देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट। अब चलिए मैं यही ऑप्शन अगर आपको कलर ओएस 6 में मैं बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखला देता हूं उसमें जो कलर ओएस 6 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कलर ओएस 6 है, ठीक है। अब कलर ओएस 6 में भी आप यहाँ पे जाएंगे बैटरी के ऑप्शन में तो बैटरी के ऑप्शन में भी आपको सेम चीज मिलेगा, सब कुछ जो जो मैंने सेटिंग बताई आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो पावर सेविंग ऑप्शन है ये देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं इनेबल, ठीक है। आपको सब वही चीज सेम टू सेम पूरा मिल जाएगा, आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि रियलमी से जब हमने बात की यहाँ पे तो Realme ने अपना जो जितनी मैंने सेटिंग बताई वो तो मैंने अपने तरफ से यहाँ पे जो भी मेरे को ठीक लगा, मतलब कि जो जो मैंने यूज़ किया था अपने थ्रू वो मुझे ठीक लगा, मैंने आपको इस ट्रेनिंग के लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है आपको ट्रिक्स बताई। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट से जो हमने बात की थी Realme कम्युनिटी से, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, चलिए हम बता देते हैं आपको इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉइड 10 है या फिर कलर ओएस 6 है तो कोई भी डिवाइस यूज करते हैं आप रियलमी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वही चीज यहाँ पे मेंशन की है जो कि चीज अभी हमने की, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अभी ब्लूटूथ वगैरह जीपीएस वगैरह सबको सिस्टम को ऑफ किया और यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन जो कि हमारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन में जो है हो रही थी उसको हमने यहाँ पे डिसेबल किया। उसके थ्रू जो है हम यहाँ पे जितनी भी हमारी जो प्रोसेस चल रही थी एक्स्ट्रा जो कि अननोन सोर्स वाली प्रोसेस थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसेबल हुई। तो यहाँ पे रियलमी कम्युनिटी भी यही चीज को वैलिड करती है, कहती है कि यहाँ पे आपको जो है जब आपको यूज ना करें ब्लूटूथ यूज ना करें तो ब्लूटूथ बंद रखें, वाईफाई यूज ना करें तो वाईफाई बंद रखें, हॉटस्पॉट यूज ना करें हॉटस्पॉट बंद करें, लोकेशन सर्विस जो है यूज ना होने पे बंद कर दें, बाकी आपका जो ब्राइटनेस स्क्रीन का ऑप्टिमाइजेशन है उसको यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली रखें, जैसे कि आप घर के बाहर जाएं तो ऑटोमेटिक जो ब्राइटनेस एक्चुअल में होगी वो यहाँ पे शो करे और जैसे ही आप घर के अंदर आए तो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाए अपने आप, ठीक है। बाकी सभी चीज दिया गया है और नीचे भी इन्होंने एक चीज और लिखा है कि क्लियर बैकग्राउंड एप्स है उनको भी हमेशा आपको क्लियर रखना है, कैश डाटा को जो है रेगुलरली आपको जो है यहाँ पे हटा देना है, यूज पावर सेविंग को ऑन करना है, बाकी ऑलमोस्ट एट ऑल जितनी मैंने आपको सेटिंग्स बताई वो सारी सेटिंग्स इन्होंने भी बताई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्टली मैंने आपको जितनी सारी सेटिंग्स बताई इसके थ्रू जो है आप कि जो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। आप डेफिनेटली इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा अगर आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है, और अगर इस चीज को आप फॉलो करने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम दूर होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर लीजिएगा और फ्यूचर में आपको ऐसी अच्छी अच्छी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी इस चैनल के थ्रू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो पसंद आई होगी और यहाँ पे मैंने बैटरी के इस ऑप्शन को यहाँ पे पहले आपको बताने
दिखाने से पहले मैंने खुद यूज किया है तो मेरे को तो ठीक लगा है। अब आप भी इस चीज को यूज करके देखिए, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि उतना नहीं मिल सकता, बट फिर भी आपको जो इशू हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कम जो यहाँ पे जो इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।